चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां थोड़ी देर में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक है और करीब 60 उम्मीदवारों पर फैसला संभव है। वायनाड से राहुल गांधी का चुनाव लड़ना तय, सीईसी लगाएगी राहुल की उम्मीदवारी पर मुहर। स्क्रीनिंग कमेटी ने दिया है राहुल का प्रस्ताव, तो थोड़ी देर में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक होगी। चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर थोड़ी देर में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक होगी और इस बैठक में करीब 60 उम्मीदवारों पर फैसला हो सकता है। तो वायनाड से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे और सीईसी लगाएगी राहुल की उम्मीदवारी पर मुहर। हमारे साथ इसी खबर पर हमारे सहयोगी नितिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, थोड़ी देर में कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक होगी और कहा जा रहा है कि 60 उम्मीदवारों पर फैसला आ सकता है, संभव है ऐसा, क्या कुछ खबर है इसको लेकर के आपके? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जो है वो शुरू होने वाली है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो नामों को लेकर संभावना जताई जा रही है, फिलहाल अभी नामों को लेकर किसी तरह की लिस्ट आने की उम्मीद नहीं है। हाँ, फैसला जरूर हो सकता है लेकिन लिस्ट औपचारिक रूप से अभी नहीं आएगी। लेकिन सबसे दिलचस्प खबर ये आ रही है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वायनाड से ही राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, ये लगभग तय माना जा रहा है। जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि वायनाड को लेकर लगभग सहमति बन चुकी है, सीईसी की बैठक में बकायदा इस पर मोहर भी लग जाएगी और उम्मीदवारी को लेकर जिस तरह की बातें की जा रही हैं कि राहुल गांधी कहां से चुनाव लड़ेंगे कहां से नहीं लड़ेंगे, वो वायनाड से ही एक बार फिर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ये लगभग तय हो चुका है। लेकिन इसका औपचारिक ऐलान हो सकता है कि कुछ ही वक्त के बाद हो जाए, लेकिन करीब 60 उम्मीदवारों को लेकर फैसला जताया जा रहा है कि संभव हो सकता है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है, समाजवादी पार्टी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है उम्मीदवारों के नाम को लेकर, एक कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक जो परत बनाने की कोशिश की जा रही थी और ऐसे में एक राजनीतिक दबाव भी था कांग्रेस के ऊपर कि आखिरकार कब अपने उम्मीदवारों के नामों का आप ऐलान करेंगे। ऐसे में अब कांग्रेस की ये बैठक के बाद हो सकता है कि कुछ उम्मीदवारों को लेकर मंथन और चिंतन के बाद जल्द ही पहली लिस्ट जारी हो, लेकिन फिलहाल अभी लिस्ट जारी नहीं होगी। लेकिन इतना जरूर है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वायनाड से राहुल गांधी, क्योंकि ये कयास लगाए जा रहे थे कि राहुल गांधी कहां से चुनाव लड़ेंगे कहां से नहीं लड़ेंगे, वायनाड को लेकर स्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि वो वायनाड से चुनाव लड़ें। और दूसरी बड़ी खबर ये निकल के आ रही है कि अमेठी और रायबरेली का जहां तक प्रश्न है, वो सवाल अभी भी बरकरार है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, और ऐसी स्थिति में तब वो भी तब ये फैसले को लेकर सवाल उठ रहे हैं जब स्मृति ईरानी खुलकर उनको चुनौती दे रही हैं कि अगर आपने दम है तो आइए और अमेठी के रण में एक बार फिर से चुनाव जीत के दिखाइए। ये एक राजनीतिक लिहाज से, रणनीतिक लिहाज से जो फैसला लेने की बात कांग्रेस कर रही है, वायनाड सीट पर एक बार फिर से राहुल चुनाव लड़ेंगे और दूसरी सीट क्या वाकई में अमेठी होगी या फिर राहुल गांधी एक ही सीट से चुनाव लड़ेंगे, ये अभी भी सवाल बना हुआ है। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि लगभग वायनाड को लेकर बात बन चुकी है, राहुल गांधी वायनाड से ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अमेठी और रायबरेली को लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। जी नितिन, तो ये जो 60 उम्मीदवारों पर फैसला आने की संभावना जताई जा रही है, इन 60 उम्मीदवारों में और कौन कौन से वो बड़े चेहरे हो सकते हैं जिनके नामों का अनाउंसमेंट हो सकता है? देखिए, लिस्ट में अभी कौन कौन से नाम ऐसे होंगे इसको लेकर सस्पेंस बरकरार है, लेकिन इतना जरूर है कि 60 उम्मीदवार वो हो सकते हैं जिनके नाम पर किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं है, यानी ये वो सीटें होंगी जिसको लेकर जो तमाम बड़े चेहरे हैं पार्टी के उनको लेकर किसी तरह का विवाद नहीं होगा, वो चेहरों को लेकर पहली लिस्ट में नाम हो सकता है और उसमें राहुल गांधी का लिस्ट में नाम होगा, ये भी लगभग तय माना जा रहा है। और वायनाड के साथ साथ राहुल गांधी अमेठी में भी चुनाव लड़ सकते हैं, इस बात की भी संभावना है लगभग, लेकिन अभी औपचारिक रूप से इस बात का पुष्टि कर पाना हमारे लिए संभव नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि जो 60 उम्मीदवार होंगे या 60 नामों की पहली लिस्ट सामने आने का जिक्र किया जा रहा है, वो 60 नाम कांग्रेस के बड़े चेहरे होंगे और गैर विवादित सीटों पर उन उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जाएगा। जी नितिन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।